बच्चों हम चालू कर रहे हैं आज आपका चैप्टर 11 मैथ्स में पेरीमीटर एंड एरिया। ये है आपका लेक्चर 176। सो आप क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, पेरीमीटर पढ़ के आए हो, ठीक है। आप एरियाज पढ़ के आए हो। पेरीमीटर एग्जैक्टली होता क्या है? सो पहले पेरीमीटर का मतलब होता क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही पेरीमीटर एरिया है। सो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर है डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर। क्या है? डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर, मतलब एक फिगर के आजू बाजू का डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है? एरिया रीजन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज्ड फिगर। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर, जैसे कि स्क्वायर है, ठीक है। सो स्क्वायर है स्क्वायर है, सो पेरीमीटर क्या होता है? डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस, ठीक है, ये पेरीमीटर हुआ। और रीजन ऑक्यूपाइड बाय क्लोज्ड फिगर, तो एरिया क्या है? अंदर, ये क्या हुआ? पेरीमीटर, ठीक है। और ये अंदर का क्या होगा? ये अंदर का होगा एरिया, ठीक है। ये एरिया हुआ, ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये हुआ आपका पेरीमीटर, ठीक है। सो ये हुआ आपका पेरीमीटर एंड एरिया। सो अब हम देखते हैं इनके फॉर्मूलाज, जो कि आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए हो। सबसे पहले हम फॉर्मूलाज देखेंगे, पढ़े हुए फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, आपके लिए नई बात नहीं है। सो फॉर्मूलाज, सबसे पहला फॉर्मूला पेरीमीटर, ये कॉमन फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला, जितने साइड्स और लेंथ ऑफ वन साइड। अच्छा, रेगुलर का वर्ड का मतलब क्या होता है? कि साइड सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके हिसाब से क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 × साइड। अगर मैं बोलूं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, पर इसने देखो रेगुलर वर्ड यूज किया, रेगुलर मतलब जब सारी साइड्स इक्वल हो। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? 1 2 3 3s, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूं कि पेरीमीटर ऑफ पेंटागॉन, रेगुलर पेंटागॉन, ये क्या है? रेगुलर, रेगुलर स्क्वायर तो ऑब्वियसली रेगुलर ही होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रेगुलर रेगुलर ट्रायंगल बोले कोई, या रेगुलर पेंटागॉन बोले, सो पेंटागॉन का क्या होगा? सो पेरीमीटर 1 2 3 4 5, ठीक है। सो रेगुलर पेंटागॉन 5s, ठीक है। सो इस तरह से पेरीमीटर होता है, ठीक है। अभी आपका जो मेन, आपको जो फॉर्मूला याद रखना है इन सब में, ये है पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। मतलब ये इन्होंने कॉमन चीज बोली है, कॉमन बोला है, एक्चुअली ऐसा है ये, ठीक है। फिर हम एक और फॉर्मूला देखते हैं, पेरीमीटर, ये एक्चुअली आ गया है पर आपको याद रखना है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड, ठीक है। स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 4 × साइड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लिखना है 10 times, ठीक है। इसके बाद आपको पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। थर्ड, पेरीमीटर
ऑफ अ रेक्टेंगल. सो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी. फिर से ये फॉर्मूला भी आपको लिखना है 10 टाइम्स. स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर आप सबको पता है ऐसा होता है, रेक्टेंगल इस तरह से होता है. ठीक है, फिर हम देखेंगे एरिया की थोड़ी सी फॉर्मूलाज. ठीक है, सो ये सब पिछले स्टैंडर्ड्स में पढ़ के आए हो पर आपको आना चाहिए. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एल मल्टीप्लाई बी. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल मल्टीप्लाई बी. सो ये कितनी बारी लिखेंगे? ये भी लिखेंगे 10 टाइम्स. एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड इनटू साइड. ठीक है, सो ये है आपकी फॉर्मूलास. एरिया पे हमने पेरीमीटर की दोनों फॉर्मूलास देखी और हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला देखी और एरिया ऑफ स्क्वायर की भी फॉर्मूला देखी. अब इन फॉर्मूलास को यूज करना है हमें. ठीक है, आप पिछले आपके 6 स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूलाज यूज करके आए हो, छोटे छोटे सम्स करके आए हो. इस चैप्टर में आप वर्ड प्रॉब्लम्स देखोगे तो इसके लिए आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, इन द सेंस आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए और उसके बाद ये समझ आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या लगानी है, ये चीज करके ही होगी. ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 1. सो एग्जाम्पल 1 ये रहा आपकी एनसीईआरटी में, पेज नंबर है 206. सो एग्जाम्पल 1 बोल रहा है अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर. फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल इफ द लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज रुपीज 2.50. सो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डोर है. ठीक है, एक डोर है वो एक वॉल पे फिक्स करना है. सो आपको ये पता होना चाहिए कि डोर फ्रेम मतलब डोर फ्रेम फिट करना है वॉल पे. सो जो डोर फ्रेम है, डोर फ्रेम की शेप रेक्टेंगल होगी और वॉल की भी शेप रेक्टेंगल होगी. फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल. फिर अब आपको वो वॉल पेंट करानी है और उसका चार्ज है 1 मीटर स्क्वायर इज रुपीज 2.50. एक चीज जो मुझे आपको बतानी है कि देखो, जब भी आप पेरीमीटर फाइंड करते हो, ये सम तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. देखो, जब भी आप पेरीमीटर फाइंड करते हो तो पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस तरह से होता है. और जब भी आप एरिया फाइंड करते हो सो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है, सो ये पेरीमीटर का यूनिट होता है और ये होता है एरिया का यूनिट. अब आप सोच रहे होगे कि ये चीज मैंने अभी क्यों बताई. तो मैंने क्वेश्चन में एक चीज देखी, इसीलिए. क्वेश्चन में मैंने क्या देखा? क्वेश्चन में मैंने 1 मीटर स्क्वायर देखा और 1 मीटर स्क्वायर मैंने अभी अभी बताया. मीटर स्क्वायर कब लगता है? जब एरिया होता है. ठीक है, जब एरिया होता है तब मीटर स्क्वायर वर्ड यूज होता है. ठीक है, सो बच्चों ये क्या समझाना चाह रहा है क्वेश्चन में? कि एक डोर है, मैंने अभी अभी बताया. तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको फिर से ड्रॉ करके एक्सप्लेन करती हूँ. एग्जाम्पल 1. सो एग्जाम्पल 1, अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशंस इज फिक्स्ड ऑन द वॉल. सो देखो, एक ये वॉल है. ठीक है, इस पे हमें क्या लगाना है? इस पे हमें लगाना है एक डोर फ्रेम. ठीक है, सो यहां पे हमें एक डोर फ्रेम लगाना है.
ठीक है, ये पूरी वॉल है, ये दीवार है और इस पे हम लगाना चाहते हैं डोर, ठीक है, डोर का फ्रेम। दीवार की डोर वॉल की डायमेंशन देखो, वॉल की डायमेंशन दी हुई है 10x10 और डोर की डायमेंशन है 3x2। वॉल की 10x10 और डोर की क्या दी हुई है 3x2। फिर फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस, आपको कॉस्ट फाइंड करना है। टोटल लेबर चार्जेस मतलब आपको कितना खर्चा होगा। इफ द लेबर चार्जेस, और यहाँ आपको पेंटिंग करानी है वॉल पे, क्या करानी है, क्वेश्चन में बोल रहा है पेंट कराना है, तो वॉल को पेंट कराओगे तो सोचने वाली बात है कि डोर को थोड़ी पेंट कराओगे। वॉल में आप कह रहे हो मैं वॉल की पेंटिंग कराने वाला हूँ, वॉल की ही पेंटिंग कराओगे ना, थोड़ी डोर की कराओगे, ठीक है। बोल रहा है कि आपको वॉल पेंट कराना है और 1 मीटर स्क्वायर वॉल को पेंट करने का चार्ज, 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग करते हो तो चार्ज है 2.50, ठीक है। आपको अब यहाँ क्या निकालना है, टोटल लेबर चार्ज कितना पैसा लगेगा। यहाँ देखो ये मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब आपको एरिया फाइंड करना है। तो आप पहले तो ये डिसाइड करो कि पेंटिंग किस किस हिस्से पे होनी है, तो पेंटिंग सिर्फ इस हिस्से पे होनी है। आप फॉर्मूला क्या, आपको फॉर्मूला खुद बनानी है, आपको खुद सेटिंग करनी है कि जो एरिया पेंट करनी है। एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर फ्रेम। फॉर्मूला कैसे सेट करोगे, एरिया टू बी पेंटेड एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, ठीक है। एरिया ऑफ वॉल, वॉल रेक्टेंगल शेप बोल दो, ठीक है। एरिया ऑफ वॉल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ डोर, डोर भी रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। 10 × 10 स्क्वायर भी खैर बोल सकते हो, -3 × 2। 10 10 जा 100, -3 2 जा 6, 94 मीटर स्क्वायर। इतनी एरिया आपको पेंट करनी है, सही है। अभी आपको बस कॉस्ट निकालना है, तो सिंपल है कि 1 मीटर स्क्वायर का इतना, 94 मीटर स्क्वायर का कितना। नाउ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹2.50। 94 मीटर स्क्वायर कितना, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो और आपका फाइनल आंसर, कॉस्ट इज इक्वल टू 94 मल्टीप्लाई 2.50। देखो पॉइंट है, पॉइंट से सॉल्व नहीं होता है, थोड़ी तकलीफ होती है। पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद दो नंबर है तो अपॉन में 100, ठीक है। देखो 0 के साथ 0 कैंसिल, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। 2 1 जा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ठीक है। आंसर क्या आया, 48 5 जा, 47 5 जा, सॉरी, 2 1 जा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 47 5 जा। फाइव सेवन जा 35, 5 4 जा 20, 21 22 23, 235, ठीक है। 235 रुपीस, ठीक है। इतना कॉस्ट लगेगा अगर यहाँ पेंटिंग करानी है। दिस वॉज एग्जाम्पल 1। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हर सम में कुछ नया समझोगे आप। एग्जाम्पल 2, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ द शीट इज 25 सेंटीमीटर, वॉट इज इट्स विड्थ। क्या बोल रहा है कि एक एरिया, एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसका एरिया 500 है, उसकी लेंथ 25 है, विड्थ फाइंड करो। बहुत ही सिंपल सम है, एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, विड्थ का मतलब ब्रेथ। मैंने आपको पहले भी बताया विड्थ और ब्रेथ दोनों एक ही चीज हुई, विड्थ वाइड, ब्रेथ ब्रेड, कुछ भी ऐसा ब्रॉड, ये सारी चीजें विड्थ ब्रेथ के लिए यूज होती है।
ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. वेरी सिंपल सम, आपको फॉर्मूला आती है, आंसर आ जाएगा. ठीक है, पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं. एग्जाम्पल टू. सो एग्जाम्पल टू आपका बोल रहा है एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ फाइंड करना है. आपको पेरीमीटर भी फाइंड करना है. ठीक है, सो हमें क्या करना है, पहले तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इनटू ब्रेथ. सो एरिया है 500, लेंथ है 25, ब्रेथ आपको फाइंड करनी है. ठीक है, सो 500 अपॉन 25, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, 525 ब्रेथ. सो कट शॉर्ट करेंगे, 25 1 जा 25 2 जा 50, 0 का 0. सो ब्रेथ क्या आया, 20 सेंटीमीटर. ब्रेथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अच्छा अब आपको क्या फाइंड करना है, आपने विड्थ फाइंड कर ली, अब आपको पेरीमीटर फाइंड करने बोल रहा है. ठीक है, सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B. ठीक है, सो 2 × L क्या है आपका, 25, बी है 20, अभी अभी आपने फाइंड किया. ठीक है, सो 2 × 25 और 20 कितना होता है, 45. ठीक है, सो 45 2 जा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 + 1 9, सो 90. सो 90 सेंटीमीटर. ठीक है, सो पेरीमीटर आया. सो इस तरह से आपको एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, आपने ब्रेथ फाइंड की और पेरीमीटर भी आपने फाइंड किया. सो दिस वाज योर एग्जांपल टू. ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जांपल थ्री. एग्जांपल थ्री, अनु वांट्स टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस ऑन थ्री साइड्स विद लेंथ 20 meter, 12 meter, 12 meter. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹150 per meter. अब यहाँ देखो ध्यान से कि लेंथ मतलब अनु को क्या करना है, अनु के घर के आगे, ये घर है अनु का, उसके घर के आगे गार्डन है, अब उसको उस गार्डन को फेंसिंग करनी है. फेंसिंग का मतलब क्या होता है, फेंसिंग का मतलब उसको वायर लगानी है जिससे उसका गार्डन प्रोटेक्टेड रहे, भाई कोई जानवर वगैरह ना आ पाए. हम देखते हैं गार्डन्स वगैरह में ऐसी नुकीली तारें वगैरह लगी हुई होती है, तो वैसा कुछ उसे फेंस करना है. सो उसको वायर लगानी है, तो कैसे वायर लगाएगी, तो देखो इस साइड तो घर है तो ऑब्वियसली घर से गार्डन आना है, तो यहाँ फेंसिंग नहीं होगी. तार कहाँ कहाँ लगेगी गार्डन में, देखो गार्डन चार बाजू से होगा, पर क्योंकि ये घर है और घर से गार्डन आएगी तो तार थोड़ी नहीं होनी चाहिए, वायर नहीं होनी चाहिए ना. सो फेंसिंग मतलब वायर लगनी है. सो वायर इस साइड लगेगी, इस साइड लगेगी, इस साइड लगेगी, तीन साइड लगेगी और एक साइड नहीं लगेगी, क्योंकि अगर वहाँ भी वायर लग गई तो अनु गार्डन में जाएगी कैसे. सो यहाँ देखो, अनु वॉन्ट्स टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस ऑन थ्री साइड्स विथ लेंथ. अब देखो यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में भी क्लियरली बोला है तीन साइड से ही फेंसिंग करनी है, तो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पर इन्होंने खुद ही क्लियरली बोला है. सो 20 meter, 12 meter, 12 meter, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹150 per meter. ठीक है, सो आपको यहाँ एग्जाम्पल थ्री फाइंड करना है. एग्जाम्पल थ्री, सो एग्जाम्पल थ्री, सो बच्चों एग्जाम्पल थ्री. सो अनु को गार्डन फेंस करना है थ्री साइड्स, क्वेश्चन में भी ऐसा ही दिया हुआ है कि तीन साइड से फेंसिंग करनी है, और क्या दिया हुआ है, 20 meter
12 मीटर और 12 मीटर, मतलब उसे वायर लगानी है, ऐसे ऐसे वायर लगेगी। सो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा पेरीमीटर। सो क्या बोल रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹150 per meter। सो आपको कॉस्ट निकालनी है ₹50 per meter के हिसाब से, ठीक है। सो आपको देखो तीनों साइड वायर लगानी है, इसका मतलब पेरीमीटर हुआ, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या बनाओगे? पेरीमीटर, ये सब समझ के आप कर रहे हो, ठीक है, इसमें कुछ रटना नहीं है, समझना है। पेरीमीटर ऑफ फेंसिंग क्या होगा? 20 12 12, सो 20 प्लस 12 प्लस 12, ठीक है। सो 12 प्लस 12 24 होता है, 24 और 20 होगा 44, सो 44 मीटर आया। अच्छा, अब आपको कॉस्ट निकालनी है। सो देखो 1 मीटर पर मीटर, मतलब 1 मीटर की 50, तो 44 मीटर की कितनी है? सो 1 मीटर ₹50, सो 44 मीटर कितना, ठीक है। सो कॉस्ट इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। 44 5 5 4 20 5 4 22, 220 मीटर, ठीक है। सो वो एग्जाम्पल 3 हुआ आपका। सो 44 को 50 से करेंगे, 5 4 20 5 4 20, 220 मीटर, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन में इन्होंने 150 मीटर दिया है, 50 नहीं दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, ध्यान से देखो 150 मीटर है, 150, ठीक है। सो 150 मीटर है, ठीक है। सो यहाँ ये है 150 मीटर, ये है 150, ठीक है। सो 44 को 15 से करना है, ठीक है। सो 44 को 15 से करेंगे, सो 660 आया, और इस 0 का 0, ठीक है। सो 6600 मीटर। सो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका कॉस्ट, मतलब अगर गार्डन की फेंसिंग करानी है उसे, तो उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे उसको, उस वायर के लिए 6600 रुपीज़, सॉरी पैसे हैं, कॉस्ट है। सो इतने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट है, ठीक है, 6600 रुपीज़। सो 1 मीटर 150 के बराबर है, तो 44 कितना? अभी देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 1, ये आपके एनसीईआरटी में पेज 208 पे है। क्वेश्चन क्या है? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर, यहाँ देखो रेक्टेंगुलर पे जोर डालो, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 एंड 300, फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड करनी, एरिया का फॉर्मूला लगा दो रेक्टेंगल का। द कॉस्ट ऑफ द लैंड, आपको लैंड का कॉस्ट भी फाइंड करना है। इफ 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹10,000, तो दो चीजें फाइंड करनी है, एरिया एंड कॉस्ट। लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, क्या है? रेक्टेंगल। सो क्वेश्चन 1 में 2 पार्ट करने हैं, फर्स्ट एरिया सेकेंड कॉस्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट है एरिया। सो देखो लेंथ क्या दिया हुआ है? 500 मीटर। ब्रेथ क्या दिया हुआ है? 300 मीटर, ठीक है। सो एरिया फाइंड करना है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ क्या है? 500, ब्रेथ है 300, ठीक है। सो 5 3 15, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो एरिया आया आपका, ठीक है। सो मीटर स्क्वायर, सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट फाइंड किया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सेकेंड पार्ट आपसे क्या बोल रहा है? कॉस्ट फाइंड करना है। सो कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? सो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10,000, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर 10,000 है, सो 1,50,000 कितना, ठीक है। सो कॉस्ट इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10,000 मल्टीप्लाई 1,50,000, ठीक है। सो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 1 15 जा 15, कितने जीरोस? 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो ये आपका कॉस्ट आया, ठीक है। सो इस तरह से ये इसका आंसर है, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा आंसर है, बट दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। एक एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क फाइंड करना है जिसका पेरीमीटर है 320। सो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क मतलब एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का, और पेरीमीटर 320 दिया हुआ है, ठीक है। सो सेकेंड नंबर, क्वेश्चन 2, एरिया फाइंड करना है, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 320 मीटर, ठीक है। सो पेरीमीटर स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है। सो देयर फॉर पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 320। सो 320 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। सो देयर फॉर 320/4 इज इक्वल टू साइड, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 4 1 जा 4 8 जा 32, 0 का 0। सो आंसर क्या आया आपका, साइड इज इक्वल टू 80 मीटर। सो देयर फॉर साइड इज इक्वल टू 80 मीटर। अभी हम क्या फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, सो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इंटू साइड। सो साइड इंटू साइड, सो साइड क्या है, 80 80, ठीक है। सो 8 8 जा 64 और 2 0, सो 6400 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या आया, 6400 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन थ्री है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। आपको ब्रेथ फाइंड करनी है, ब्रेथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। एरिया दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर। आपको ब्रेथ फाइंड करनी है, एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है 22 मीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर भी फाइंड करना है। आपको ब्रेथ फाइंड करनी है, पेरीमीटर भी फाइंड करना है, दिया हुआ है एरिया और लेंथ, ठीक है। सो इस तरह से आपको थर्ड नंबर करना है। सो दो चीजें करनी है, ब्रेथ एंड पेरीमीटर फाइंड। सो थर्ड नंबर, ब्रेथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की, एरिया दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर, लेंथ है 22 मीटर, और पेरीमीटर भी फाइंड करना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ, एरिया क्या दिया हुआ है, 440, लेंथ है 22, ब्रेथ हमें फाइंड करना है। सो देयर फोर 440 22 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड ब्रेथ, कट शॉर्ट करेंगे, 22 1 जा 22 2 जा 44, 0 का 0, ठीक है। सो ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। सो ब्रेथ 20 मीटर आया। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L+B। सो 2 मल्टीप्लाई L क्या होगा, L क्या है, 22, बी है 20। सो 2 मल्टीप्लाई 22 प्लस 20 कितना होगा, 42। सो 42 2 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8, सो 84। सो 84 मीटर। पेरीमीटर क्या आया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आया 84 मीटर, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 3, ठीक है। सो दो चीजें फाइंड करनी थी, ब्रेथ भी फाइंड करना था और पेरीमीटर भी फाइंड करना था, ठीक है। अब देखेंगे फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दी है 35 सेंटीमीटर। आपको ब्रेथ फाइंड करना है और एरिया, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ फाइंड,
पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ और एरिया फाइंड करना है। तो जो दिया हुआ होता है ना, जैसे पेरीमीटर दिया हुआ है ना, तो उसी का ही फॉर्मूला लगाओ, और उसी का ही फॉर्मूला लगाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। सो फोर्थ नंबर, आपको दिया हुआ है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगल का 100 सेंटीमीटर। लेंथ की क्या दी हुई है? 35 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपको फाइंड करनी है, एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × L + B। पेरीमीटर है 100, L है 35, B आपको फाइंड करना है। सो मैंने सिंपली पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर लिखा, लेंथ की जगह लेंथ लिखा, बी की जगह बी। सो अब यहाँ देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। सो देखो 2 मल्टीप्लाई में ना, तो इसको कहाँ लेके आओगे? डिवाइड में। सो नीचे डिवाइड में ले आओ। सो 35 + B, सो 2 × 1 = 2, 5 × 0 = 0। सो देयर फोर 50 = 35 + B। सो देयर फोर 50 − 35, +35 उधर जाएगा तो −35 = B। सो 50 में से 35 मिले गया तो 40, 50, 15, ओनली 15 बचेगा। सो B इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अच्छा अब क्या फाइंड करना है? एरिया। सो एरिया का फॉर्मूला क्या है? सो आपको ब्रेथ मिल गया, अब आप क्या करोगे? एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है। दो चीजें फाइंड करनी है, ब्रेथ भी फाइंड करना है, एरिया भी। सो अब एरिया फाइंड करेंगे। सो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। सो लेंथ है 35, ब्रेथ है 15, ठीक है। सो 35 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 35 15, 1 × 5 = 5, 1 × 3 = 3, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 16 17, 5 × 7 = 12, 3 × 4 = 5। सो 525 cm², ठीक है। सो एरिया है 525 cm². ये जो 5 और 6 नंबर है, ये एग्जाम्पल 4 और 5 की तरह ही है। तो अभी मैंने एग्जाम्पल 4 और 5 नहीं कराया है। सो पहले मैं एग्जाम्पल 4 और 5 करा देती हूँ, और फिर ये 5 6 कराऊंगी, तो आपको अच्छे से समझ आएंगे। सो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 4, ठीक है। सो जो 5 और 6 एग्जाम्पल 4 और 5 की तरह है। सो पहले 4 5 समझ लेते हैं, फिर 5 6 ऑटोमेटिक आ जाएंगे हमें। सो पहले एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं, ठीक है। अ वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इफ वायर इज रीबेंट इन टू रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ, विच एनक्लोजेस मोर एरिया, स्क्वायर और रेक्टेंगल। क्या बोल रहा है कि एक वायर है, ठीक है। वायर है, वायर की शेप स्क्वायर है, और उसमें साइड है 10 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं वायर को मोड़ के क्या बना दिया गया है? रेक्टेंगल। वायर को मोड़ के क्या बनाया है? रेक्टेंगल। सो उसकी लेंथ है 12 और ब्रेथ है, फाइंड करनी है, ब्रेथ फाइंड करनी है। कह रहा है किसका एरिया मोर होगा, किसका एरिया ज्यादा होगा, स्क्वायर का या रेक्टेंगल का। अब देखो एक बात याद रखो, क्योंकि मोड़ के चीज बन रही है, ठीक है। सो देखो किसी भी चीज को आप मोड़ के कोई नई चीज बना रहे हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 4 में? रीबेंट का मतलब मोड़ के बना रहे हो आप एक चीज को, बिना काटे पीटे, काटने काटे वाटे वगैरह, आप उसको खाली दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल 4, ठीक है। सो एग्जाम्पल 4, वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। सो देखो एक स्क्वायर है, ठीक है। ये वायर कौन सी शेप में है? स्क्वायर की शेप में है, ठीक है। सो ये स्क्वायर की शेप में वायर है, और ये किस में रीबेंट हो रही है? रीबेंट मतलब मुड़ किस में रही है? ये मुड़ रही है रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। सो ये रेक्टेंगल शेप में मोड़ी जा रही है। सो एक चीज देखो, जब मैंने मोड़ के, मतलब ये ऐसी थी, ठीक है, ये वायर ऐसी थी, मैंने इसको पिचका के ऐसे किया, मैंने खाली इसकी शेप बदली है। तो याद रखो जब भी आप शेप बदलते हो, तो इसका मतलब आप ये, इसके आजू बाजू का ये पेरीमीटर, आप पेरीमीटर सेम होता है, क्योंकि इसको बदल के आपने बस ये बना दिया। सो इसका मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कैसे होगा? क्योंकि ये रीबेंट वाला सम है, रीबेंट ये बहुत ही समझने वाला सम है। रीबेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? मोड़ना, इसको इसमें आपने मोड़ा। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो अब यहां देखो स्क्वायर की साइड क्या दी हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। साइड क्या दी हुई है? 10 सेंटीमीटर दी हुई है। इफ द वायर इज रीबेंट इन टू द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ करनी है फाइंड। सो एरिया फाइंड करना है कि इसका एरिया ज्यादा है कि इसका एरिया। सो यहाँ देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 into साइड होता है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 × लेंथ + ब्रेथ। ठीक है, सो 4 × साइड, सो साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 है। सो 4 × 10, 2 × L क्या है 12, बी क्या है आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो 4×10 = 40, 2 × में कहाँ लेके आओगे, डिवाइड में। सो 12 + B, सो 2×1 = 220, सो 20 = 12 + B। सो 20 − 12 = B, सो 20 − 12 क्या होगा 8, सो ब्रेथ क्या आई 8, सो ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो ब्रेथ आपकी 8 सेंटीमीटर आई, कैसे आई, इस फॉर्म मतलब ये जो आपने लिखा ये वाली लाइन आपको खुद लिखनी है कि भाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि ये रीबेंट वाला सम है, रीबेंट मतलब मोड़ना, आपने स्क्वायर को रेक्टेंगल में मोड़ा, इसका मतलब इसका और इसका पेरीमीटर बराबर है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ आपने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखा, 4 × साइड इज इक्वल टू 2 × L + B, साइड है 10, 2, L है 12, बी फाइंड करना है, 2 डिवाइड में ले आएंगे, सो 20, सो 20 − 12 8, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अच्छा अब कह रहा है कि इसका एरिया ज़्यादा कि इसका एरिया ज़्यादा, सो अब दोनों पे एरिया, पहले इस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला निकालेंगे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 10 है, ठीक है 10 दिया है ना साइड, सो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। अब कह रहा है किसका एरिया ज़्यादा, स्क्वायर का कि रेक्टेंगल का, सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। सो एस क्या दिया हुआ है स्क्वायर का 10, सो 10 × 10 है 100 cm². सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आया 100 cm². अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सो लेंथ क्या दिया हुआ है 12 cm, ब्रेथ कितना है 8, सो 12 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12 × 8 सो 96। सो बताओ किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का कि रेक्टेंगल का, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 4। ठीक है, एग्जाम्पल 4 कैसे किया हमने, सिंपली एग्जाम्पल 4 में हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, सो बी मिला। सो यहाँ हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड किया, सो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको 100 मिला, 100 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 96 सेंटीमीटर मिला, तो किसका एरिया ज़्यादा, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा। सो ये हुआ एग्जाम्पल 4। सो बच्चों यहीं इसी सम के साथ मैं आज के जो हमारा NCERT के क्वेश्चंस हैं यहीं एंड करती हूँ, एंड आई एम गिविंग यू होमवर्क फ्रॉम RD शर्मा। सो RD शर्मा में ये आपका पेज नंबर 20.8 है, 20.8 पेज पे एक्सरसाइज 20.1 है, क्वेश्चन 1 फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। अच्छा स्क्वायर मीटर्स का मतलब यूनिट लिखी है, मीटर स्क्वायर मतलब, स्क्वायर मीटर में एरिया फाइंड करो ऑफ अ रेक्टेंगल, किसका, रेक्टेंगल का फाइंड करना है। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ वो लगाना है। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट और सेकंड सम आपका होमवर्क में है। अच्छा यहाँ आपको आंसर किस में लाना है, मीटर स्क्वायर, एरिया किस में लाना है, मीटर स्क्वायर।
सो आपको यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर। सो स्क्वायर सेंटीमीटर में आपको एरिया फाइंड करना है, यहाँ आपको आंसर लाना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। सो ऑफ अ स्क्वायर मतलब यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे साइड इंटू साइड, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ सिर्फ आपको फर्स्ट सम करना है, ठीक है। क्वेश्चन थ्री है, क्वेश्चन थ्री रहने देना। क्वेश्चन फोर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन एरियाज हुज इन हुज साइड्स आर, ठीक है। सो साइड्स दी हुई है, एरिया फाइंड करनी है, सो क्वेश्चन फोर का ओनली फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इन हेक्टर्स, हेक्टर्स में फाइंड करना है, सो आप सिंपली मीटर स्क्वायर में फाइंड कर लेना चलेगा। हेक्टर्स में फाइंड करने का फॉर्मूला है, सो हेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टर्स, ठीक है। कभी भी मीटर स्क्वायर को हेक्टर्स में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड 10,000 कर देने का। सेम यहाँ पे आर्स में आंसर निकालना है, ARERS आर्स। सो यहाँ पे भी 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 आर्स, ठीक है। सो ये क्वेश्चन वन में 2 सम्स करने हैं, क्वेश्चन टू में ये 1 सम, 3, फिर ये 4, 5, ठीक है, और ये 6th नंबर करना है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है। सो ये आपको होमवर्क है आरडी शर्मा में, प्लीज़ सॉल्व करिएगा, आपको आएंगे ये सम्स, ठीक है। सो इसके सॉल्यूशंस ये रहे, ये इसके सॉल्यूशंस हैं, दीज आर द सॉल्यूशंस, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर, जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप, थैंक यू।